हेलो एवरीवन, यह पार्ट सिक्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग छः हम कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये दिए गए हैं भाग चार क में और अनुच्छेद 51 क में। तो अभी हम पढ़ते हैं, आपको सब पता चलेगा। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में किया गया, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए, तो कौन सी कमेटी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। संविधान का कौन सा संशोधन था, 42वें संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग चार का में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया, ठीक है। भाग है चार का और अनुच्छेद 51 का। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, 11 हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, जो इस प्रकार हैं, ठीक है। तो हम मौलिक कर्तव्य देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे। देखिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको हृदय में संजो के रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, ठीक है। देश की रक्षा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, ठीक है। भारत के सभी लोगों में क्या करे, समरसता की और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां हमारा क्या है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये कहाँ कब जोड़ा गया, 86वें संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है कि कितने उम्र के बच्चे हैं जिनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग चार का में अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, अनुशंसा पर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1976 ईस्वी में इनको जोड़ा गया है, और ये टोटल 11 हैं, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।